So welcome back to Electric and finally after so many requests we are reacting to Loki by MC Stan, music by MC Stan as always, video by No Filter Records as always and 2019 में आई थी ये एंड गाने का नाम है लोकी, लेकिन लोकी के बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं है एंड वैसे लोकी का मतलब होता है रिस्ट्रेंड, मॉडरेट और कीपिंग इट काम, तो इसमें कौन सा यूज़ हुआ है कॉज लोकी के बीच में बिल्कुल स्पेस नहीं है, तो लेट्स सी क्या बात हो रही है एंड MC Stan है तो कुछ पता नहीं भाई, कुछ भी हो सकता है एंड बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग को एंड देखते हैं क्या बात हो रही है एंड भाई पिछली बार तो हमारा MC Stan भैया ने भाई बहुत बढ़िया करा था वो बफर वाले सीन से, तो इस बार हम सतर्क रहेंगे, पहले ही जो भी ऐसी कुछ चीज़ होगी तो पहले देखेंगे भाई, ठीक है? तो देखते हैं क्या बात हो रही है, बिना किसी देर के गाने पे घुसते हैं एंड 3:11 का गाना है, तो बिना किसी देर के सीधे घुसते गाने पे, वी आर लिसनिंग टू लोकी बाय MC Stan, लेट्स गेट इट। अरे हमने सुना ना यार, थोड़ी आवाज कम करो ना टीवी की। हो अरे रिकॉर्ड कर रहा मैं, अरे वीडियो नहीं छोड़ रहा, ऑडियो छोड़ रहा इसलिए बोल रहा। हाँ ठीक है चलेगा, पीस आउट मैम। ये जो सैंपल है मेरे को ऐसे क्यों लग रहा है मैंने कहीं पहले भी सुना हुआ है, पता नहीं, आई डोंट रिमेम्बर, ये कहीं और भी सुना है आई गेस, आई डोंट रिमेम्बर। ओके ओके एंड शुरुआत में बातें क्या थी? अरे हमने सुना ना यार, थोड़ी आवाज कम करो ना टीवी की। हाँ तभी तो उसने निकाल शुरुआत में, रिकॉर्ड कर रहा मैं, अरे वीडियो नहीं छोड़ रहा, ऑडियो छोड़ रहा इसलिए बोल रहा। ए वीडियो भी आ गई, चलेगा पीस आउट मां। हाँ पीस आउट मां, मतलब फुल अपने ट्रिप में भाई, नाइस। हाँ ठीक है चलेगा पीस आउट मां। चलेंगे सब, चलने वाले सुसरेंगे मरेगा कब, प्यार करने वाले बोलेगा नारा कब, बच्चे से बच्चे को मालूम है सब, गुनेगारी बिनेगारी तेरे घर पे चक माम, अभी हो गई निशान तो फिर कैन हो जा माम, जाके पूछ मेरा नाम तेरी आइटम को, फिर जाके पूछा उसने नाम उसके आइटम को, उसने बोली हां मैं उसको जानती हूं, ही इज अ रैपर एंड उसका नाम है सैन एंड वो बहुत जलो। जस्ट लुक एट द टोन स्विचेस भाई, कितने प्यारे हैं एंड वीडियो विजुअल्स भाई, फुल शर्ट पहन रहे हैं, पीछे देखना जब स्काई रिप्लेस होता है भाई, कम ऑन कम ऑन। बोलेगा ना रखा बच्चे से बच्चे को मालूम है सब, गुनेगारी बिनेगारी तेरे घर पे चक माम, अभी हो गई निशान तो फिर कैन हो जा माम, जाके पूछ मेरा नाम तेरी आइटम को, फिर जाके पूछा उसने नाम उसके आइटम को, उसने बोली हां मैं उसको जानती हूं, ही इज अ रैपर एंड उसका नाम है सैन एंड वो बहुत जलो की है, फिर एक दिन उठ के वो बोली हम लोग बैठे थे रात में सॉरी साथ में, उसने कुछ अजीब सी चीज दिया मेरे हाथ में, आई वाज लाइक फक यू बिच, ओके मेरे होम्स चांदे भाई तू सो सरवेली बाजार की शादी ना तुमको नहीं मालूम मैं किधर को जा रहा और किधर से आ रहा, यहां तक कि इंस्टा पे पोस्ट मैंने एक मंड पहले का डाला, अपने अपने में शार्ट। तो पब्लिक पूछ रही है कि गाने वगैरह मतलब इतनी कंसिस्टेंसी पे इतना ब्रेक क्यों है, लेकिन मेरे को खुद ही नहीं पता मैं किधर लॉस्ट हूँ, किधर किस जोन में हूँ मैं अभी एंड मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट जो डाला वो एक महीने पहले का डाला। ओके 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 से आ रहा, यहां तक कि इंस्टा पे पोस्ट मैंने एक मंड पहले का डाला, अपने अपने में शाड़ा, अपने अपने में शाड़ा। यहाँ पे MC Stan अपने होमीज के साथ कितना अच्छा है, लेकिन आई गेस इनमें से किन लोगों ने कुछ हुआ था उन्हीं के साथ, मतलब जो भी सीन हुआ था अभी, तो या पे पोस्ट मैंने एक मंड पहले का डाला, अपने अपने में शाड़ा, अपने अपने में शाड़ा, एरिया में रोड से कमर होता जा रहा, कॉन्टन का फील मेरे को एरिया में आ रहा, पुलिस के सामने जा रहा। अब एरिया में एक मर्डर होते रहता है एंड कॉम्प्टन का फील मेरे को आ रहा, स्ट्रेट आउट ऑफ कॉम्प्टन, कॉम्प्टन सभी को पता होगा, द वायलेंट सिटी। मर्डर होता जा रहा, कॉम्प्टन का फील मेरे को एरिया में आ रहा, पुलिस के सायरन पे फिर सामने जा रहा, फिर स्ट्राइक शिट मेरा, यो यो चेक इट, पुलिस के सायरन में फ्री स्टाइल मचा रहा। ओके 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 भाई, ओके भाई मैं आ रहा, पुलिस के सायरन पे फिर चलने जा रहा, फिर स्टाइल शिट मेरा, तू सिर्फ यो यो चेक इट माय चेक इट, फ्री स्टाइल वी स्टाइल बोल के लिखे ले गाने क्यों गा रहा, पब्लिक को अपनी क्यों भेड़ा बना रहा, चौकी के सामने से लोग मैंने मारा। तो यू आर सेइंग कि फ्री स्टाइल मेरा बेकार है, लेकिन तू तो अपने प्रीटन बार्स गा रहा है फ्री स्टाइल, मैन फ्री स्टाइल एथिकली तो जो तुम्हारे टॉप ऑफ द हेड होता है, जो तुम ऑन द स्पॉट होता है फ्री स्टाइल, लेकिन तू तो अपने प्रीटन बार्स गा रहा है। ओके ओके एंड हु इज इट टॉकिंग टू, एक कोई पर्सन से बात कर रहा है या जनरली जो ज़्यादातर रैपर्स बात करते हैं।
लोकी का मतलब है सुन में जड़ी डाला गलती आई चेक इट फ्री स्टाइल वी स्टाइल बोल के लिखे ले गाने क्यों गा रहा पब्लिक को अपनी क्यों ठेड़ा बना रहा चौकी के सामने से लोकी मैंने मारा लोकी का मतलब है सुन में जड़ी डाला गलती से मैंने क्या क्या लोकी का मतलब है वापस कुछ गाना भी बनाया एंड 360 मतलब होता है अटेम्प्ट टू मर्डर कर डालने वाला जितने भी होल में भर डालने वाला जिस गाड़ी मेरी वाकड़ी तू मार खाने वाला तेरे घर में घुसने वाला एलियन का लोगो तेरे मुंह पे आने वाला कुत्ते में जैसे खाला एलियन का लोगो तेरे चेहरे पे आने वाला एलियन मतलब स्टैन एंड अगेन कहते हैं हु इज़ यू टॉकिंग टू आई डोंट नो कि तेरे घर पे घुसने वाला है वगैरह वगैरह मेरे को बैक स्टोरी कुछ भी नहीं पता है बताओ भाई कमेंट्स पे ठीक है एंड तुमने इतनी भाई रिक्वेस्ट कर करके भाई पूरा कमेंट्स भर दिया था वाला एलियन का लोगो तेरे मुंह पे आने वाला कुत्ते में जा जैसे खा चल देखो मैं वहां पे ले जाता जा से कभी वापस नहीं आता छोड़ मेरा इसलिए शहर तंकेला ओह मैं ऐसी जगह ले जाता जहाँ से तू वापस नहीं आता एंड जोन मेरा शैतान के लाता ओके एंड अगेन ये क्या मिक्स चल रहा है भाई देखना नया ऑल आउट ज्यादा आसान ज्यादा असरदार क्या भाई क्या ऑल आउट का प्रमोशन क्यों कर रहा भाई एड मेरे को नहीं लगता कि ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है ये तो बहुत पुराना सा एड लग रहा है पता नहीं आई हैव नो आइडिया ऑल आउट इट कुड बी फॉर ऑल आउट मतलब अब ये डिस भी है डिस्ट्रैक वगैरह है मेरे को कुछ आइडिया नहीं है भाई मैं नहीं लग रहा प्रिडिक्शन मेरे को बताओ भाई कि वरना ऑल आउट मतलब जिनको भी डिस करा सब आउट ऐसे कुछ भी हो सकता है कुड बी कि मच्छर पता नहीं आया मैं नहीं लगाता प्रिडिक्शन सुन रहे भाई नया ऑल आउट ज्यादा आसान ज्यादा असरदार सुन मेरा होता लगे टूपा की झलक है बीच मेरी पलक है आया मैं लोकी देख के सिग्नल मारक से झलक है भाई टूपाक की झलक है दैट्स फैक्ट्स एंड लोग बोलते हैं इंडिया का टूपाक होता लगे टूपाक की झलक है पीछे मेरी पलक है आया मैं लोकी देख के सिग्नल नरक से तू देख बर्फ है मैं देख पानी छुटके ले दोनों खेलेंगे राजा रानी डीच पानी में देख रावो छिपाने की ट्रिप ट्रिप बोल के इधर पब्लिक क्या पैसा कमाने की अरे गोटिया हुक गया तू अरे गोटिया अरे भाई रुको उससे पहले क्या बोला बाकी झलक है पीछे मेरी पलक है आया मैं लोकी देख के सिग्नल नरक से तू देख बर्फ है मैं देख पानी ले दोनों खेलेंगे राजा रानी डीच पानी में देख रहा वो छिपाने की ट्रिप ट्रिप बोल के इधर पब्लिक क्या पैसा कमाने की अरे गोटिया हुक गया तू मम्मल शिट करके भी पैसा कमाने घर का दिख रहा सा किसी भूल गया तू मक्के के धंधे पे बैठ गया तू मां को कॉल करने का भूल गया तू मटके के धंधे पे बैठ गया तू बट मटका का धंधा नॉर्मल मटका मतलब जैसे मटका बेचने वाला धंधा या फिर मटका कुछ अलग स्लैंग है तो बता दिख रहा सा किसी भूल गया तू मटके के धंधे पे बैठ गया तू मां को कॉल करने का भूल गया तू चाइनीज के गाड़ी पे लग गया तू उसी को दोगा ने आ गए लिठक गया तू मूवी पे वार देख के डर गया तू मेरा कॉल आ रहा देख फंस गया तू एक दिन मां को बोले मतलब फालतू क्यों गैंगस्टर शिट क्यों कर रहा है फिर तू भाई जब तू मतलब उसको दो तीन गाने में उल्टा सीधा बोल वगैरह के थक गया है अब तेरे से नहीं हो रहा है तू वही अपने काम पे लग गया है तो भाई क्यों फालतू की शिट मत कर मेरे साथ ठीक है पंगा मत ले वरना नंगा कर देंगे इस मतलब से पे वार दे के डर गया तू मेरा कॉल आ रहा देख फंस गया तू एक दिन मामू लोग बोले काय कर तू तू मैं बोला रैप कर तू मी काय रैप कर तू तुझे आई जी ओ साहब गाली क्यों दे रहे बड़च का हमको तुम घेरे मेरे तुम मेरे हम घेरे चेहरे पे मेरे चाना मत आना मत गाना मत लाना मत खोजा मत खोजा मत जब मेरा बेस गिरे सबकी नजरें मुझ पे जो जो मेरे को फील करे अब तो ये MC Stan का गाना है तो बीट स्विच तो यू कैन एक्सपेक्ट ठीक है पिछले में भी दो तीन बीट स्विच थे येड़ी के चादर में आई गेस तड़ी पार में तो भाई 7 से 8 बीट स्विच थे तो तुम तैयार रहना है MC Stan का गाना है बीट स्विच आएगा ठीक है वहाँ पे आ जाओ भाई अलग बीट स्विच अगेन वो जो बेल्स डालता है ना वो आई लाइक हम घेरे चेहरे पे मेरे चाना मत आना मत गाना मत लाना मत खोजा मत खोजा मत जब मेरा बेस गिरे सबकी नजरें मुझ पे फिरे जो जो मेरे को फील करे घर पे मेरे आके मिले हल्दी को ना को ना को ना आने
हॉप से शादी करने वाला पेज फक यू। हिप हॉप से शादी, भाई कितने लोग शादी करेंगे, मैरिड टू द गेम 47 कृष्णा एमसी स्टैन एंड ऑल लोगों की भी लाइंस होगी भाई, कम ऑन। मैं हिप हॉप से शादी करने वाला पेज फक यू। एंड ये थंबनेल क्या है, ये थंबनेल में था ना आई गेस, यहाँ पे लोकी लिखा था। ओके भाई अलग ही ट्रिप। ओके एंड भाई मेरे को एक चीज बताओ कि किसको बोली जा रही थी चीज़ें, बिकॉज मैं बहुत ऑफ लग रहा हूँ, लेकिन बहुत सारी चीज़ें थी कि किसी एक पर्सन को बोली जा रही थी या जनरली बोली जा रही थी, बिकॉज मेरे को लग रहा था कि किसी एक पर्सन को तो बोली जा रही है। एंड तो बताओ मेरे को उसके बारे में, मेरे को फालतू के नेम्स करेक्ट नहीं करने, ठीक है, तो तुम बताओगे तो ज़्यादा सही रहेगा। एंड अगेन स्लैंग्स में अगर मैंने कुछ भी जो भी चीज़ें मिस करी है कमेंट्स में बताओ। द बीट्स फॉर क्रेजी भाई, बीट्स काम तो गलत होता है, अरेंजमेंट्स इसकी बहुत फ्रेश होती है एंड बहुत, मतलब जैसे एंस्टन की बीट बनाना पहले, मतलब वो अपनी टाइप की लगाता है एंड उस पर फ्लो करना, उस पर लिखना भाई एंसिस्टैन नहीं कर सकता है, बिकॉज उस पर फ्लो करके भी अगर तुम्हें फ्रेश साउंड होना है एंड उसके बाद एंसिस्टैन अपने वोकल्स थोड़े कम गेन में रखता है बिकॉज उसका वो स्टाइल है, ठीक है। एंड तब भी उसके बाद भी इतना अपील करना लोगों को भाई, इट्स नॉट ईजी एंड वो उसी का जोन है, उसी का अलग जोन है भाई, उसी का अलग स्टाइल है, ठीक है, उसी में वो माहिर है। एंड अगेन अब मैं उसके न्यू म्यूजिक का इंतजार कर रहा हूँ, स्टडी पार्ट बहुत पहले की बनी थी एंड उसके बाद भी वो इतनी फ्रेश साउंड हो रही थी। एंड अब जब न्यू म्यूजिक आएगा तो भाई गलत भाई, एंड जो स्निपेट वायरल हो रहा था भाई वो तो अलग ही साउंड लग रही थी, अलग ही जोन में लग रहा था एंड बहुत लिल विन वाइब्स आ रही थी। तो ये गाना अच्छा लगा मेरे को एंड जो भी चीज़ें मिस करी है कमेंट्स बताना, ठीक है। एंड वीडियो वॉज गुड आई लाइक इट, नॉट द बेस्ट एम सिस्टम, ठीक है। एम सिस्टम की वीडियोज बहुत क्रेजी होती है, ये भी अच्छी थी जो बीच में स्काई रिप्लेसमेंट हो रहा था एंड ऑल द कलर ग्रेड ऑल द ट्रांजिशन, आई लाइक दैट। एंड या दिस वॉज द रिएक्शन, पसंद आया तो लाइक करो, पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करो। इफ यू लाइक द कंटेंट ऑफ द चैनल तो सब्सक्राइब करो, ठीक है, बिना सब्सक्राइब के जाना मत, चोरी छुपे मत देखना, ठीक है। अगर कंटेंट पसंद है सब्सक्राइब करो, नहीं पसंद है तो मत करो, सिंपल सी बात है। एंड इंस्टा पे फॉलो करो, वहाँ पे आ जाओ, कल जो वीडियो आई है वो देखी नहीं है तो वो भी देखो, ठीक है, वो बड़ी मस्त है, बहुत अलग वीडियो है एंड पहली बार किसी ने करे होगा तो वो वीडियो देखो। एंड उसमें अगला एपिसोड तुम रिक्वेस्ट करोगे तो मैं जरूर बनाऊंगा एंड उसमें पार्ट लेना है तो वो भी इंस्टाग्राम पे होगा, वहाँ पे सारी चीज़ है, वहाँ पे एमसी स्टैन के भी फैंस, मतलब सारी चीज़ है, वो वीडियो देखो तो तुम्हें समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो इंस्टा पे आ जाओ बस, तो बढ़िया मज़ा आया, तो मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, पीस आउट।